My basic Gujarati thali is ready. Hi guys, welcome to Zoom into Food. So आज बन रही है भिंडी. So आज पूरा जब से इधर US आए हैं तब से मैंने पूरा गुजराती मील बनाया नहीं है. Like रोटली, दाल, भात, शाक, ऐसा कुछ मैंने बनाया नहीं है अब तक. तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज बनाया. और भिंडी तो मेरा फेवरेट थिंग है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है. लास्ट वन टू गो. सो एक बार मैं वापस आपको बता देती हूँ कैसे मैं भिंडी चॉप करती हूँ. सो दोनों एजेस, दोनों ऊपर और नीचे से दोनों एजेस निकाल दिए. आप कोई भी रैंडमली एक स्ट्रैंड पे ऐसा एक लाइन कर दो और फिर लाइन करने के बाद आप ऐसे ओपन करोगे ना, एकदम बहुत आराम से ओपन करना पड़ेगा और इसके अंदर के जो सीड्स होंगे ना वो अपने आप पूरा निकल जाएगा. सी गाइस, दैट्स इट. और इसको अभी नॉर्मली आप ऐसे टू पार्ट्स कर दो. राइस का पूरा पैकेट लाके पड़ा है और अब तक खोला नहीं है. इट्स बिन अ मंथ अभी तो कि टोमेटोज चाहिए लगेंगे फॉर द सब्जी एंड फॉर द दाल. सो मैं अभी से चॉप करके रखती हूँ. मेरे पास खाली 1 आवर बचा है गाइस, तो मालूम नहीं मैं कितना कर पाऊँगी उतने में. 1 आवर क्यों? बिक�ज 11:30, 11:45 तक मुझे सब कुकिंग करके आई एम जस्ट गोइंग टू मेक रोटी आफ्टर दैट. सो टोमेटोज चॉप हो गए हैं और दाल और राइस अभी रख देते हैं, गैस ऑन कर देते हैं. वॉश करके रख दिया है. सो कुछ 5-10 मिनट्स हो गया है उसको. अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट, उसको बोलते हैं सुखड़ी और मैं उसको बोलती हूँ पाक. सो उसके लिए मुझे व्हीट फ्लावर चाहिए. मैं एकदम 2 जन के लिए बना रही हूँ, इसके लिए एकदम थोड़ा कम क्वांटिटी ले रही हूँ. तो उसके लिए व्हीट फ्लावर चाहिए, गुड़ चाहिए, जितना व्हीट फ्लावर लिया है उतने ही पोर्शन में ही गुड़ चाहिए, घी चाहिए और मैंने थोड़ा दूध और पानी मिक्स करके इसको थोड़ा स्लो गैस पे मैं गर्म होने दूंगी. घी डाल रही हूँ मैं. थोड़ा ज्यादा हो गया है, मैं निकाल देती हूँ. फिर चाहिए रहेगा तो वापस डाल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डाल सकते. दूध और पानी को जो मिक्स किया है ना उसको मैंने गरम करने रख दिया है, स्लो गैस पे रखा है. घी मेल्ट हो गया है. अभी इसमें मैं डालूंगी व्हीट फ्लावर, जितना चाहिए उतना ही, थोड़ा ज्यादा निकाला है पर मुझे खाली 2 पीस जितना ही बनाना है. 2 to 4 पीसेस बनाने हैं मुझे टोटल इसके. सो इसके लिए मैं थोड़ा नहीं यूज कर रही हूँ. इट्स डिफिकल्ट समटाइम्स टू मेक इन दिस स्मॉल क्वांटिटी, इट्स वेरी मच डिफिकल्ट. बट ये मेरा एक फेवरेट रेसिपी आप बोल सकते हो. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और मैं दूध इसके लिए डालती हूँ इसके अंदर, दूध और पानी मिक्स करके, बिकॉज मुझे थोड़ा सॉफ्टनेस पसंद है. जो बाहर मिलता है उसमें वो थोड़ा हार्ड होता है और प्लस उसमें बहुत कुछ भी और भी डलता है और बहुत सारी चीज़ें डलती है इसमें. एक बार व्हीट फ्लावर जो आपने डाला है वो थोड़ा रोस्ट हो जाएगा ना तो आपको उसकी खुशबू आएगी. सो आई लव माय नेम, इट ऑकर्स मेनी टाइम्स. खुशबू तो खुशबू है. तो इसको कंटिन्यूस गाइस स्टर करना पड़ेगा और इसको सेकना पड़ेगा सो दैट ये इसको मीडियम ब्राउन करना है, नॉट टू ब्राउन, इट शुड बी मीडियम ब्राउन. तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है गाइस. ये पूरा एकदम ब्राउन हो गया है अभी, तो इसमें अभी गैस को बंद कर देंगे और इसमें अभी डालेंगे गुड़, जैगरी. जितना क्वांटिटी में चाहिए आप उतना ही डालो, ज़्यादा स्वीट भी नहीं होना चाहिए. और फटाफट आपको मिल्क डालना है और इसको स्टर करना है. इससे आपका जो पाक है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा.
और गुड़ भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा। इट्स रेडी। थोड़ा गुड़ मेल्ट होने को टाइम लगेगा। जैसे ही गुड़ मेल्ट होगा ना, वैसे जो हमने घी डाला था वो थोड़ा सेपरेट होता रहेगा। अभी इसको एक प्लेट में निकाल के सेट कर देते हैं। इट्स 11 नाउ और अभी भिंडी का सब्जी रेडी करते हैं। सो गाइज, पैन शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज इसके ऊपर मुझे पानी डाल के रखना है भिंडी को कुक होने के लिए, और ये वाला जो डिश है मेरे पास वो कोई भी वे में आ नहीं रहा है। रोटी का आटा अभी करना बाकी है, तो उसके लिए जो एंडिंग में ऑयल ज़रूरत गिरेगा फॉर बाइंडिंग, तो वो इसमें से ले लेंगे। सो मैं अभी ये साइड पे रख रही हूँ। अभी इसमें वापस एक बार गैस ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल बिकॉज उसमें थोड़ा रह गया। सो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और तेल गर्म हो गया है। अभी इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और फिर तुरंत ही जैसे ही हो जाएगा हल्दी उसके बाद हम डालेंगे भिंडी। ये थोड़ा तो छोटा गिरेगा बट आई होप इवनली कुक हो जाए इसमें। चलो थोड़े टाइम के बाद देखते हैं बिकॉज थोड़ा नॉर्मली भिंडी कुक हो जाएगा ना, उसके बाद थोड़ा क्वांटिटी लेस हो जाएगा। तो देखते हैं थोड़े टाइम के बाद, अगर नहीं हुआ तो फिर और कुछ ढूंढेंगे। और अभी इसमें डालेंगे सॉल्ट, थोड़ा ज्यादा डाल रही हूं अभी बिकॉज उसके बाद जो इसका मसाला आएगा ना उसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे। सो इसके लिए अभी इसमें थोड़ा सा ज्यादा डाल रही हूं। अभी इसके ऊपर पानी रख देते हैं और इसे अच्छे से कुक होने देते हैं भिंडी को। भिंडी मसाले के लिए मसाला बनाना है तो एक नॉर्मल बोल में आप पीनट्स का पाउडर है, सिंग का पाउडर है, तो वो मैंने कोस कर दिया है, तो वो 2 टेबलस्पून जितना लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे बेसन का आटा, अगेन थोड़ा सा ही बेसन का आटा, 1 टेबलस्पून जितना बेसन का आटा, और इसमें डालेंगे बहुत सारी कोरिएंडर, थोड़ा कोरिएंडर रहने दिया है दाल में डालने के लिए। एक बार ये हो जाएगा फिर अभी इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर ज्यादा होना चाहिए तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और थोड़ा रेड चिली पाउडर। एंड अभी इसको अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे सो दैट भिंडी जैसे ही कुक हो जाएगा ना उसके बाद हम डायरेक्टली ये डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल भी डालूंगी सो दैट मसाला जाने के बाद इवनली कुक हो जाए। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। दाल अच्छे से कुक हो गई है। एक बार स्टेटस चेक करते हैं सब्जी का कि कैसा हो रहा है। ओह, इट्स कुक्ड, इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड। आधा जब भी कुक हो जाए ना तो इसमें थोड़ा सा टमेटोज डाल दो जो पहले ही चॉप करके रखे थे टमेटोज। 2 मिनट के लिए वापस इसको ढक के रखेंगे सब्जी को सो दैट टमेटोज थोड़े मुशी हो जाए। दाल भी रेडी है, इसमें दाल कम है, कंटेनर बड़ा है, तो इसमें मैं बाकी के टमेटोज डाल दूंगी।
थोड़े कैश्यू नट्स और पीनट्स है, सिंग और काजू, वो मैं दाल में डाल रही हूँ। और सॉल्ट डाल दिया है, जैगरी डाल दिया है, अभी डालेंगे टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और अभी इसको तड़का देंगे। थोड़े राई, मस्टर्ड सीड्स, और थोड़ा इसको कुक होने के बाद मैं डालूंगी हींग। जी होने को आया है अभी, तो सब्जी के अंदर अभी जो मसाला रेडी किया है, भिंडी मसाला, वो डाल रहे हैं। सब्जी रेडी है, आटा रेडी करना बाकी है, तो अभी फटाफट बनाते हैं आटा रोटी के लिए। इट्स 11:25। अभी बनाते हैं बटर मिल्क। छाछ इज रेडी, ये जाएगा फ्रिज में। ये दो जन के लिए मैं बना रही हूँ ढोकला, सो आई गेस हार्डली 4-5 पीसेस जितने बनने चाहिए, तो मैं उतना ही बेसन का आटा लूंगी। थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट डालेंगे अभी, सॉल्ट डालने के बाद गाइज मैं डालूंगी अदरक मिर्ची का पेस्ट, मैंने बहुत टाइम से निकाल के रखा था, तो मैं थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट के लिए मैं वो डालूंगी। और अभी थोड़ा सा डालेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। एक बार मिक्स हो गया है अच्छे से, और अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा इनो, और तुरंत ही ये प्लेट में डाल देगी। प्लेट जो ढोकला का प्लेट है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ग्रीस कर दिया है, सो दैट अच्छे से निकले वो, तो मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है। और अभी इसमें थोड़ा सा डालेंगे इनो फॉर दैट फ्लफीनेस, और तुरंत ही मिक्स करके लास्ट डिश है। इसको अभी होने देंगे फॉर 15 मिनट। मेरे पास कुछ 15 मिनट्स का टाइम है, इट्स 12:45, सो 12 o'clock तक मैं कुछ रोटी बनाना चालू करूँगी, और ढोकला रख दिया है। सो मैंने सोचा कि बहुत सारे बर्तन हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि 15 मिनट है तो ये हो भी जाएंगे। थोड़ा टाइम है, अनइवनली कुक हुआ है, सब जगह इवनली कुक नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम है। It's cooked. Farsan, sweet, pulka roti, basmati rice and dal and sabzi, buttermilk is in fridge. Gujarati thali.